हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था चैप्टर नंबर 13 अमाइन। उसमें से हमारा टॉपिक शुरू है अभी, मतलब अभी जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन। ठीक है, हम केमिकल रिएक्शन स्टडी करने वाले, उसमें से पहला हम स्टडी करेंगे अल्किलेशन ऑफ अमीन। हमें क्या करना है, अमाइन का अल्किलेशन करना। आपको पता है कि अमाइन का ग्रुप, अमाइन ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप होता है, एन एच टू ग्रुप होता है। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, अल्किलेशन करेंगे। अब अल्किलेशन किसका करेंगे, जो आपका जो प्राइमरी अमीन है उसमें एक ऑलरेडी आर रहता ही है। इस प्राइमरी अमीन का हम क्या करेंगे, अल्किलेशन करेंगे। अल्किलेशन करना मतलब क्या कि अल्किल उसमें इंट्रोड्यूस करना। अब वो अल्किल किसके जगह पे आएगा, इन प्लेस ऑफ दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जगह पे आएगा। मतलब जब हम एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो एक हाइड्रोजन के जगह पे एक आएगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन निकालेंगे उसकी जगह पे एक आएगा। इस तरीके से हमें कंपाउंड को बनाना है। ठीक है, तो अल्किलेशन करना, उसको हम बोलते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्किलेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्किलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन स्टडी करते हैं। मतलब एग्जैक्टली इसका स्टेटमेंट क्या है अल्किलेशन में, कि जब प्राइमरी अमीन को हम हीट करते हैं विथ एक्सेस ऑफ, व्हेन प्राइमरी अमीन इज हीटेड विथ एक्सेस ऑफ प्राइमरी अल्किल हैलाइड, जब हम प्राइमरी अमीन को एक्सेस ऑफ प्राइमरी अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते, तो इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन अलॉन्ग विद द टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि जब आप प्राइमरी अमीन को हीट करते हो एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड के साथ, तो इट गिव्स अ मिक्सचर, किसका मिक्सचर देता है वो, सेकेंडरी अमीन का, टर्शरी अमीन का, और उसके साथ साथ कभी कभी हमें टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड भी मिलता है। ठीक है, अब उसकी रिएक्शन देख लेते हैं कि हमें, मतलब जब आप प्राइमरी अमीन लेंगे और प्राइमरी अमीन को प्राइमरी अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो वी गिव अ सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन अलॉन्ग विद द टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, उसके साथ हमें क्या मिलेगा, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड भी मिलेगा। अब रिएक्शन देख लेते हैं, इसमें रिएक्शन में क्या है, देखो रिएक्शन में आपको फर्स्ट दिया है प्राइमरी अमीन, दैट इज़ आर एन एच टू, ये आपका प्राइमरी अमीन है। अब फर्स्ट केस में मैं उसको थोड़ा इलाबरेट करके लिखती हूँ, ये आपका, आपकी ये दो हाइड्रोजन्स है। ठीक है, और ये आपका, सॉरी इट्स रॉन्ग, फिर से लिखते हैं। हमारे पास क्या है कि हमारे पास पहला है प्राइमरी अमीन, दैट इज़ आर एन एच टू है। तो आर एन एच टू में हम इसको ऐसे लिखेंगे, आर बॉन एन एच और ये एच, ये आपका प्राइमरी अमीन हो गया। अब इस प्राइमरी अमीन को जब हम अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करें, अब यहाँ पे अल्किल हैलाइड जो है वो सीधा लिखा है, मैं उसको उल्टा लिखती हूँ, एक्स एक्स और आर। ठीक है, जब मैं प्राइमरी अमीन को अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करती हूँ तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, उसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें सिंपल है कि यहाँ का एच, यहाँ का एच और यहाँ का जो एक्स है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ एच एक्स रिमूव हो जाएंगे, और रिमूव होकर आपको क्या मिलेगा, ये जो जगह खाली है वहाँ पे आपका एच अटैच हो जाएगा। सो व्हाट यू गेट, वी गेट आर बॉन एन बॉन, एक आर के जगह पे, मतलब एच के जगह पे आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आर आ जाएगा और जो दूसरा है वो हाइड्रोजन एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपको, तो इसीलिए आपका प्रॉब्लम, मतलब एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे और एक हाइड्रोजन के जगह पे हम क्या रखेंगे, आर को रखेंगे। ठीक है, तो अगर हमने एक हाइड्रोजन निकाल के एक आर को प्लेस कर, ये आर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक आर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो वी गेट आर टू एच। ठीक है, उसके बाद आपका आर टू एन एच है, तो हम क्या करेंगे, फिर आपका वही सेकेंडरी अमीन मिल जाएगा आपको। अब सेकेंडरी अमीन जो मिला है, उस सेकेंडरी अमीन को हम फर्दर रिएक्ट करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सेकेंडरी अमीन को हम फिर फर्दर अगर अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो अगर आपको पता है कि हमारे पास दो आर है, मतलब एन के साथ दो आर अटैच रहेंगे। ठीक है, दो आर अटैच है और एक एच अटैच है, उसको भी हम अगेन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, अल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इसमें भी क्या होगा कि जो एच और एक्स है ये एच एस के फॉर्म में निकल जाएगा और जो जगह खाली हो जाएगी वहाँ पे क्या मिलेगा, आर मिलेगा। सो व्हाट यू गेट, आर बॉन एन बॉन आर। ठीक है, मतलब हमें दो आर तो मिल रहे हैं और एक हाइड्रोजन हमें निकाल दिया, तो उसकी जगह पे आपका आर आ जाएगा, तो वी गेट अ टर्शरी। ठीक है, मतलब हमने पहले प्राइमरी से सेकेंडरी मिलवाया था, अब सेकेंडरी से हमें टर्शरी मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्शरी है, इस टर्शरी का फिर से रिएक्शन अगर करते हैं अल्किल हैलाइड के साथ, ये आपका टर्शरी अमीन है, इस टर्शरी अमीन को हम फिर से अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो आपको आपको सिंपल वहाँ पर एडिशन करना है, वी गेट अ सॉल्ट। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, मतलब आपका ये R3N है, दैट इज़ आपका ये टर्शरी टाइप का अमीन है। इस टर्शरी अमीन में अगेन हम क्या करेंगे, Rx मतलब अल्किल हैलाइड को ऐड करेंगे, तो सिंपल ये R यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये R अगर यहाँ पे ऐड होगा तो ये X जैसा का वैसा रहेगा वहाँ पे, मतलब R3 का हो जाएगा R4, क्योंकि R3 ऑलरेडी एक R हमने ऐड कर, तो वो R4 हो जाएगा।
यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, और इसमें नाइट्रोजन के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन के साथ, और इसके साथ अटैच रहेगा आर, और इसके ऊपर नेगेटिव, क्योंकि क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो अपनी लोन पे यूटिलाइज करके आर के साथ अटैच हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। उसकी वजह से क्या होगा कि जो बाजू वाला आर नहीं चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए, ओके, इट्स माई मिस्टेक, यहाँ पे क्या चाहिए, क्योंकि हमने एक आर तो एन में ऐड कर दिया, और जो एक्स है वो कहाँ पे ऐड होगा, हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ऐड होगा आपके नाइट्रोजन के बाजू में, ठीक है, ये आपका एक्स और इसका रिजल्ट नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से आपको याद है, इट्स यूज अ टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, हम इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड बोलेंगे, ठीक है, इस टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, तो टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड हमें मिलेगा, ओके, तो ये होगी आपकी रिएक्शन टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड। नाउ मतलब हम क्या करेंगे, अभी आपको समझ में आ गया कि जब हम अल्किलेशन करते हैं तो प्राइमरी अमीन में से पहले एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन कम होके आर ऐड होके आपको सेकेंडरी अमीन मिलेगा, फिर जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन है उसको भी निकाल देंगे, उसके जगह पे किसको रखेंगे, दूसरे आर को रख देंगे, तो आपको टर्शियरी मिलेगा, फिर हम डायरेक्टली चौथा जो मॉलिक्यूल ऐड करें तो वो डायरेक्ट एडिशन करेगा, आर थ्री है तो आर फोर हो जाएगा, और जो एन है वो एज इट इज है, और हाइड्रोजन इसके बाजू में अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा और हाइड्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, इस तरीके से आपको याद रखना है, ओके। देन उसके बाद देखो जनरली ये जो टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड जो है, ये जो मैंने अभी बताई है टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, ठीक है, ये आपका जो टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड जो है, वो टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड कब मिलता है, जब आप एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड को यूज़ करते हो, तब हमें टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड जो है वो ऑप्टेन होता है एज अ मेजर प्रोडक्ट, एंड दिस रिएक्शन, सो दैट दिस रिएक्शन इज नोन एज एग्जॉस्टिव अल्किलेशन ऑफ अमीन, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव अल्किलेशन ऑफ अमीन बोलते हैं, कि जब हम एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड को यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड मिलता है, ठीक है, एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है, एंड रिएक्शन को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिक अल्किलेशन ऑफ अमीन, हम रिएक्शन के क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिक अल्किलेशन ऑफ अमीन बोलेंगे, व्हाट इज इट, वी से दैट द एग्जॉस्टिक अल्किलेशन ऑफ अमीन, क्लियर हो गया, इट्स एग्जॉस्टिक अल्किलेशन ऑफ अमीन, तो ये याद है कि हमें टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड कब मिलता है, जब हम एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड को ऐड करते हैं तब हमें वो मिलता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं एग्जॉस्टिक अल्किलेशन ऑफ अमीन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड आर कॉल्ड एज अ क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जब ये आप पढ़ोगे तो आप बुक अपना बुक अपने साथ रखोगे, साथ में पढ़ते रहें तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड आर कॉल्ड एज अ, और ये जो आपका टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड है, उस टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, व्हाट वी से दैट हियर, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड को एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड अ क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, ओके, तो विच आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और वो कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एंड दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम सॉल्ट इन विच ऑल फोर हाइड्रोजन आइटम्स अटैच टू नाइट्रोजन इन एन एच फोर प्लस आर रिप्लेस बाय फोर अल्किल। यहाँ पे क्या कहा है कि जो टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड है उसको हम एक और नाम से तो बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं, उसको क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, और उसको हम और दूसरे टर्म से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि दे आर द डेरिवेटिव, किसके डेरिवेटिव, अमोनियम सॉल्ट के, दे आर द डेरिवेटिव अमोनियम सॉल्ट, एंड वॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ अमोनियम सॉल्ट इज नथिंग बट द NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड जो है वो अमोनियम सॉल्ट है, और इसमें जो चार हाइड्रोजन है, ये चार हाइड्रोजन जो है वो हम क्या करेंगे, वन बाय वन रिप्लेस करेंगे, अगर हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो इसका कन्वर्जन हमें किस में मिलेगा, इसका कन्वर्जन हमें मिलेगा एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया R से, एक हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया और एक R को मैंने प्लेस कर दिया, तो वो हो जाएगा NH R, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे NH3RCl, ओके, उसके बाद मैंने फिर से क्या किया, मैंने फिर से उसको उसमें फिर से उसमें एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो वो हो जाएगा उसमें मिलेगा आपको नाइट्रो NH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया, तो NH2R2 और Cl, उसके बाद हमने फिर से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, इसका हम कन्वर्जन मिलेगा NH और R3Cl, मतलब एक हाइड्रोजन कम करते जाएंगे और एक R ऐड करेंगे, अगेन हमने फिर से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो NR4
फोर सी एल, या फिर आप इसको लिख सकते हो आर टू एन एन फोर सी एल। तो इस तरीके से हमें क्या लगेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी या क्वार्टनरी अमोनियम हैलाइड मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो इसलिए वहाँ पे बोला कि इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम सॉल्ट, वो अमोनियम सॉल्ट का डेरिवेटिव है, मतलब अमोनियम सॉल्ट के अमोनियम सॉल्ट मतलब एन एच फोर सी एल एन एच फोर बी आर। तो इसमें से हम एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करते जाएंगे और एक एक आर रखते जाएंगे, तो इस पर आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टनरी सॉल्ट आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स कंज्यूम, जो प्राइमरी अमीन है या फिर प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, ठीक है, या फिर आपका टर्शियरी अमीन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन अगर है तो आर कंज्यूम्स 3, 2 and 1 मोल ऑफ अल्किल है। मतलब अगर हमें प्राइमरी अमीन बनाना है तो वो क्या करेगा, 3 मॉलिक्यूल कंज्यूम करेगा। ठीक है, कितने कंज्यूम करेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हाइड, क्योंकि हमें पता है कि जब हम प्राइमरी एन एच फोर सी एल को जब हमने अल्किल हाइड के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या होगा कि यहाँ का एक एच, ठीक है, यहाँ का जो एक एच है, यहाँ का एक एच और यहाँ का एक्स, ये निकल जाएगा और जो हाइड्रोजन की जगह खाली हो जाएगी वहाँ पर आपका आर जाके अटैच होगा। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल लगेंगे, अगर हमें प्राइमरी बनाना है तो हमें कितनी चाहिए, प्राइमरी के लिए हमें 3 अल्किल हाइड चाहिए। अगर हमें सेकेंडरी बनाना है अमोनियम सॉल्ट से तो हमें लगेंगे 2 मॉलिक्यूल। अगर हमें टर्शियरी बनाना है तो हमें हम कितना कंज्यूम करेंगे अल्किल हाइड को, 3 मॉलिक्यूल्स उसके कंज्यूम करेंगे, सॉरी 1 मॉलिक्यूल। प्राइमरी के लिए प्राइमरी 3 मॉलिक्यूल कंज्यूम करता है, सेकेंडरी के लिए 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम करना होता है, टर्शियरी बनाने के लिए 1 मोल ऑफ अल्किल हाइड को कंज्यूम करना होता है। समझ में आया, प्राइमरी अमीन बनाना है तो कितना अल्किल हाइड कंज्यूम होगा, 3 अल्किल हाइड, सेकेंडरी अमीन बनाना है तो 2 अल्किल हाइड कंज्यूम होगा, और जब टर्शियरी बनाना है तो सिर्फ 1 ही अल्किल हाइड कंज्यूम होगा। ठीक है, जिससे हम क्या कर पाएंगे, क्वार्टनरी अमोनियम मतलब अल्किल हाइड को मतलब इट टू बी गेट कन्वर्टेड इनटू क्वार्टनरी सॉल्ट, उसकी वजह से वो क्या होगा, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेस, ये जो रिएक्शन है वो हम कैरिड आउट करते हैं, किसके प्रेजेंस में कैरिड करती है, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेस दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस में कैरी आउट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि जो एक्सेस ऑफ एच एस हर एक रिएक्शन में, मतलब प्राइमरी का, सेकेंडरी, सेकेंडरी का, टर्शियरी, टर्शियरी का, क्वार्टनरी में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हर एक रिएक्शन में आपको क्या मिलता है, हर एक रिएक्शन में आपको एच एस मिलता है। तो उस एच एस के लार्ज क्वान्टिटी को आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसको यूज़ करना है, बेस को यूज़ करना है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ करना है, दैट इज एन ए एच सी ओ थ्री को आपको यूज़ करना है। ठीक है, इफ़ अल्किल हैलाइड इज मिथिल आयराइड, अगर इफ अल्किल हैलाइड इज मिथिल आयराइड, अगर अल्किल हैलाइड अगर मिथिल आयराइड है तो रिएक्शन को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिक मिथिलेशन ऑफ अमीन, मतलब इन मतलब जो हम बोले ना अभी तक अल्किल हैलाइड अल्किल हैलाइड, तो ये अल्किल हैलाइड के जगह पर मैंने आर के जगह पर मैंने सी एच सी रखा, दैट इज मिथिल हैलाइड को अगर रखा तो ये जो मिथिल हैलाइड है, ठीक है, ये मिथिल हैलाइड जो है वो अगर हमने यूज़ किया तो हम बोलेंगे मिथिलेशन ऑफ अमीन। ठीक है, मतलब इंस्टेड ऑफ अल्किलेशन बोलने के बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, मिथिलेशन ऑफ अमीन। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम क्या करेंगे, एक एक अल्किल को हम ऐड करेंगे अमाइन में। मतलब जब हम पहला मिथिल ऐड करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा सेकेंडरी, फिर से ऐड करेंगे तो वी गेट अ टर्शियरी, उसके बाद फिर से ऐड करेंगे तो वी गेट अ टेट्रा अल्किल अमोनियम क्लोराइड। ओके, अब आपको रिएक्शन दिए मिथिल अमीन के, एग्जैक्टली मिथिलेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, मिथिलेशन करना है, मिथिलेशन ऑफ अमीन। ठीक है, आपको अमीन का मिथिलेशन करना, अब अमीन का मिथिलेशन कैसे करेंगे वो देखते इसमें देखो अमीन के मिथिलेशन में देखो अमीन का मिथिलेशन करना है, उसमें स्टेटमेंट पढ़ लेते पहले कि व्हेन मिथिल अमीन इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ मिथिल आयराइड, जब हम मिथिल अमीन को मिथिल अमीन जब हीट करते हैं विद एक्सेस ऑफ मिथिल आयराइड के साथ, इट गिव्स अ टेट्रा अल्किल अमोनियम आयराइड। मतलब जब हम मिथिल अमीन को, मतलब सी एच एन एच को हीट करते हैं एक्सेस ऑफ मिथिल आयराइड के साथ, ठीक है, इट गिव्स अ टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, हमें क्या मिलेगा, टेट्रा अल्किल अमोनियम आयोडाइड मिलेगा, क्योंकि हमने मिथिल आयराइड यूज़ किया तो हमें क्या मिलेगा, टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड। अब रिएक्शन देखते कैसे मिलेगा आपको वो। ठीक है, अब रिएक्शन में देखो यहाँ पे ये पहली स्टेप रिएक्शन है, पहले स्टेप में क्या दिया है कि पहले स्टेप में आपका जो मिथिल अमीन है सी एच टू एन एच टू उसको हम मिथिल आयराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ का एक एच यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक एच रिमूव हो के यहाँ पे एक सी एच टू अटैच हो जाएगा, मतलब एन एच टू का एन एच हो जाएगा, मतलब सी एच थ्री एन एच सी एच थ्री, और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ के आई के साथ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एच आई। ठीक है, और वी गेट एन सी एच थ्री बाई टू एन एच प्लस एच आई। फिर उसके बाद जैसे ही आपका ये सी एच थ्री
जैसे आपका ये CH3/2NH मतलब सेकेंडरी अमीन जैसे ही बना तो ये सेकेंडरी अमीन फिर से CH2 के साथ रिएक्ट होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ के आय के साथ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HI और एक CH3 हाइड्रोजन की जगह पे ऐड होगा तो वी गेट अ CH3 ऑलरेडी बाय टू है, एक और ऐड होगा तो बाय थ्री हो जाएगा CH3/3N दैट इज कॉल्ड अ टर्शियरी अमीन। ओके उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपका टर्शियरी बना उसको अगर हम आगे ऐड करते हैं तो CH3/3N प्लस उसमें हम ऐड कर देंगे मिथिल आयोडाइड। अब जब मिथिल आयोडाइड ऐड करते इसमें सिंपल एडिशन होगा, यहाँ पे तीन CH3 एक और हमने ऐड कर दिया तो चार हो जाएंगे CH3/4 ठीक है, और ये आयोडीन भी इसके साथ अटैच होगा। लेकिन आपको पता है कि ये जब हाइड्रोजन लेगा तो अपनी मतलब ये पूरा अल्किल ग्रुप जब यहाँ पे ऐड करना है तो नाइट्रोजन अपनी लोन पर यूज़ कर करके उसको अपने पास एक्सेप्ट कर लेगा। अगर उसने अपने एक अपने मतलब उसने अपने एक लोन पर अगर यूज़ कर ले तो इट कैरीज व्हाट पॉजिटिव चार्ज, वो क्या कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा ठीक है, वो क्या कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आयोडीन है वो क्या कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा मतलब पहले हमें मिलता है प्राइमरी अमीन आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्राइमरी अमीन है प्राइमरी से हमें मिलेगा सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी का यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा टर्शियरी अमीन, टर्शियरी का यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा क्वार्टरनरी अमीन। तो इस तरीके से हमें अल्किल हैलाइड यहाँ पे मिलने वाला है ठीक है। तो ये हो गया आपका मिथिलेशन ऑफ अमीन। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट यूज़ योर ब्रेन पर आप करके देखो तो आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ हाफमन एलिमिनेशन। ओके वी हैव टू सेट द हाफमन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हाफमन एलिमिनेशन में क्या होता है कि जब हम टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड को हीट करते हैं विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ इट गिव्स अ क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ठीक है। हाफमन एलिमिनेशन में क्या दिया कि हाफमन एलिमिनेशन में जब हम टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड जो अभी हमने बनाया था ना तो वैसे टाइप का मतलब टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड मतलब क्या, अभी फिर अगर आप भूल गए हो तो मतलब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि टेट्रा अल्किल मतलब क्या, टेट्रा मतलब फोर अल्किल मतलब आर, तो टेट्रा अल्किल अमोनियम मतलब हमें लेना है नाइट्रोजन और हैलाइड मतलब हमें लेना है एक्स माइनस। तो ये जो टेट्रा अल्किल अमोनियम जो हैलाइड है उसको हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, और जब ये मॉइस्ट कंडीशन में होता है सिल्वर ऑक्साइड तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड इज़ नथिंग बट द सिल्वर हाइड्रोक्साइड दैट इज़ AgOH ठीक है। तो हम इनडायरेक्टली हमें क्या करना है इस अल्किल हैलाइड को AgOH के साथ रिएक्ट करना है। तो यहाँ का X और यहाँ का OH इन द फॉर्म ऑफ सॉरी एक्चुअली OH नहीं एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हैलोजन जो है यहाँ से निकल जाएगा इन प्लेस ऑफ हैलोजन आपका OH अटैच होगा। अब यहाँ पे आपका हैलोजन जो है किस साथ रिएक्ट होगा AG के साथ रिएक्ट होकर AgS फॉर्म करेगा, जो OH बचा है वो OH आपके नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। हम फिर से एक बार देखते हैं ठीक है, मैंने क्या कहा टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड जो है आपका दैट इज़ R4NX जो है उसको हम हीट करेंगे किस साथ हीट करेंगे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ। अब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मतलब क्या कि सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2O और उसको हम मॉइस्ट कंडीशन में लेंगे, मॉइस्ट कंडीशन में जब लेते तो वो किसके जैसा काम करता है इट फॉर्म्स AgOH वो वाटर के जैसा फॉर्म करेगा AgOH वो फॉर्म करेगा, और इसीलिए हमें रिएक्शन में AgOH के साथ ही रिएक्शन करनी है। आर के ऊपर आप ये लिखेंगे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड बट आपको याद रखना कि हम रिएक्शन के साथ करेंगे AgOH के साथ करेंगे। ओके देन विच गिव्स अ डेली स्क्वेसेंट क्रिस्टलाइन सॉरी वो डेली स्क्वेसेंट डेली स्क्वेसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड को फॉर्म करेगा तो ये स्ट्रांगली बेसिक होता है लाइक NaOH और KOH ठीक है। जैसे बाकी के जो NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जैसे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वैसे ही आपका ये जो क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आपको मिलने वाला आफ्टर रिएक्शन वो भी कैसे रहेगा स्ट्रॉन्गर बेस। हमें क्या मिलने वाला इस रिएक्शन में हमें मिलने वाला यहाँ पे क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ठीक है क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कैसे रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा किसके जैसे NaOH और KOH से स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। ये कब मिलेगा जब टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड को आप मॉइस्ट ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो वी गेट अ क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू NaOH और KOH। ओके नाउ नेक्स्ट है क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद स्ट्रॉन्ग हीटिंग अंडरगोज बीटा एलिमिनेशन टू गिव अल्किल। और हमें पता है जो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट हमें मतलब क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमें इस रिएक्शन में मिलेगा उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो इट अंडरगोज द बीटा एलिमिनेशन। वो किस में जाएगा बीटा एलिमिनेशन में जाएगा एंड व्हाट इट गिव्स अ अल्किल वो हमें क्या देगा अल्किल मिलेगा मतलब वहाँ पे एक सिंपल मॉलिक्यूल लिमिट हो जाएगा
ठीक है, दो कार्बन से, और इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, अल्किन मिलेगा। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ हाफ मन एलिमिनेशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, हाफ मन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, हाफ मन एलिमिनेशन, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, सिंपल टेट्रा अल्किल अमोनियम सॉल्ट को मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो उसका कन्वर्जन होगा क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और वो हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉगर बेस है जैसे एनर्जी के होते। अब ये जो क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला है, उसका हम क्या करेंगे, बीटा एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन करके हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे अल्किन मिलेगा, और इस बीटा एलिमिनेशन की वजह से उसका नाम रखा है हाफ मन एलिमिनेशन। उसका नाम क्या रखा है हमने, हाफ मन एलिमिनेशन का। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ मन एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ द लीस्ट सब्सिट्यूटेड अल्किन इज ऑप्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि जो लीस्ट सब्सिट्यूटेड अल्किन होता है इज ऑप्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट इन कॉन्ट्रास्ट टू द सेट्स ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, इसमें लीस्ट सब्सिट्यूटेड अल्किन इज ऑप्टेन एज अ मेजर। जनरली हमें क्या होता है कि जो ज़्यादा सब्सिट्यूटेड अल्किन होता है, जो ज़्यादा सब्सिट्यूटेड अल्किन होता है वो हमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है, बट इस केस में अपोजिट है, इसमें लीस्ट सब्सिट्यूटेड अल्किन जिसमें बहुत कम सब्सिट्यूशन है वो हमें मिलता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिख के दिया कि वो कैसे रहेगा, इन कॉन्ट्रास्ट टू, वो रहेगा इन कॉन्ट्रास्ट टू सेट्स ऑफ एलिमिनेशन। किसके कॉन्ट्रास्ट में रहेगा, वो सेट्स ऑफ एलिमिनेशन के कॉन्ट्रास्ट में वो रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमें अल्किन मिलने वाला है, ये अल्किन कैसे रहेगा, लीस्ट सब्सिट्यूटेड रहेगा, और वो एज अ मेजर प्रोडक्ट का काम करेगा। ओके, तो ये हो गया आपका पॉइंट। देन उसके बाद देखो नेक्स्ट उसकी रिएक्शन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली उसकी रिएक्शन में क्या क्या पॉइंट्स है। अभी तक आपको समझ में आ गया हमने क्या किया, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड को मॉइस्चर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, उससे हमें मिला था क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो बहुत ज़्यादा मतलब वो क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉगर बेस है जैसे एनर्जी के होते, वो क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है, और जो क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है हमें जो मिलेगा वो उसको जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो इट अंडरगोज बीटा एलिमिनेशन टू गिव अल्किन, और इस केस में एलिमिनेशन हो रहा है इसलिए बीटा एलिमिनेशन हो रहा है अल्किन का, इसलिए उसका नाम रखा है हाफ मन एलिमिनेशन, बिकॉज इट इज गिवन बाय द हाफ मन, साइंटिस्ट हाफ मन ने दिया है इसलिए उसका नाम रखा है हाफ मन एलिमिनेशन रिएक्शन। और उसमें ये भी पॉइंट दिया कि जो सब्सिट्यूटेड अल्किन होते हैं, मतलब जो हमें यहाँ पे इस रिएक्शन में जो अल्किन मिलता है वो लीस्ट सब्सिट्यूट अल्किन अगर हमें मिलता है तो वो ऑप्टिमल होता है हमें एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कैसा रहेगा, लीस्ट सब्सिट्यूटेड अल्किन रहेगा। ठीक है, वो कैसा रहेगा, लीस्ट सब्सिट्यूटेड अल्किन है और वो हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा इन कॉन्ट्रास्ट टू सेट्स ऑफ एलिमिनेशन। ओके, नाउ CH अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। इसकी रिएक्शन में क्या है कि हमें टेट्रा अल्किल अमोनियम सॉल्ट लेना है, तो टेट्रा अल्किल अमोनियम सॉल्ट में हमारे पास तीन अल्किल ग्रुप है। अब यहाँ पे N दिया है तो N के बाजू में तीन अल्किल ग्रुप मतलब तीनों R अटैच रहेंगे, तो तीनों R में से एक आपका CH3 है मतलब प्रोपिल ग्रुप है, दो है आपके CH3 मतलब इथिल, आई थिंक तीन है क्योंकि बायथ्री दिया ना, तीन इथिल अल्किल, तो ये एक इथिल ग्रुप, ये दूसरा इथिल ग्रुप और ये तीसरा इथिल ग्रुप, ऐसे तीन इथिल ग्रुप और एक प्रोपिल ग्रुप जो है वो आपके क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट आयोडाइड के साथ अटैच है। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अटैच है। क्लियर हो गया। अब ये जो NNN ट्राई इथिल प्रोपिल अमोनियम आयोडाइड जो है उसको जब हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, उसको जब हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिंपल है, यहाँ से ये AG और O के साथ जब कंबाइन हो जाएगा तो इट फॉर्म्स AG सिर्फ इसमें से क्या होगा कि जब ये रिएक्शन हम करेंगे, जब हम NN ट्राइथिल प्रोपिल अमोनियम आयोडाइड दैट इज कॉल्ड द क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड, इसको जब हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, इस क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड के इस क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड को जब हम रिएक्ट करेंगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ AgOH के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे N के साथ तीन तीन आर ग्रुप अटैच है और एक आयरिन भी अटैच है, तो यहाँ का AG जो है वो O के I के साथ अटैच हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ AgI यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि जो OH अटैच है वो OH डायरेक्टली आपके इस अल्किल ग्रुप के साथ अटैच होगा, तो वी गेट CH3 प्रोपिल ग्रुप एज इट इज, दूसरा इथिल ग्रुप एज इट इज, तीसरा इथिल ग्रुप एज इट इज, चौथा इथिल ग्रुप एज इट इज, और
आयोडीन के जगह पे कौन आ जाएगा, आयोडीन के जगह पे आपका आएगा ओ एच माइनस एन, तो इट गेट कन्वर्जन टू मतलब टेट्रा अल्किल अमोनियम आयोडाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेट्रा अल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, मतलब एन 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 ट्राई मिथिल प्रोपिल अमोनियम आयोडाइड गेट कन्वर्ट इनटू एन एन ट्राई मिथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके इसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब जब उसका बीटा एलिमिनेशन करेंगे, जब उसका बीटा एलिमिनेशन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से कोई भी एक जो इथिल ग्रुप है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और जब इथिल ग्रुप जब ब्रेक होता है, मतलब यहाँ से एक भी ग्रुप अगर ब्रेक हो गया, ठीक है, सपोज़ मैंने इसको थोड़ा इलैबोरेट किया, तो अगर हमने इस ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, पूरा का पूरा बॉन्ड अगर मैं नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो जब ये वाला बॉन्ड मैं ये पूरा बॉन्ड अगर नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट करती हूँ तो ये पूरा मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ का एक एच, ये जो सी एच थ्री है उसका एक एच और ये ओ एच दोनों इन द फॉर्म ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ऑलरेडी ये सी एच टू कार्बन डिफिशियंट ही है, क्योंकि उसका बॉन्ड हमने नाइट्रोजन को दे दिया। नाइट्रोजन को क्यों दिया, क्योंकि नाइट्रोजन डिफिशियंट है, तो मैंने अगर इसको बॉन्ड शिफ्ट कर दिया तो इसका पॉजिटिव हट जाएगा और ये यहाँ पे ये सी एच टू सेपरेट होगा। अब सी एच टू के बाद में सी एच टी पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सी एच टी ग्रुप है इसमें से एक हाइड्रोजन ये ओ एच एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो आपका बनेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, क्योंकि हमें क्या मिलेगा, इथिल मिलेगा, ठीक है, हमें अल्किन चाहिए तो हमें वो मिलेगा इथिल, तो हमें दो प्लॉट मिलेंगे, ठीक है। हमें क्या मिला यहाँ पे इस रिएक्शन में, जब हमने वैसा किया, ठीक है, ऐसा कि यहाँ का एक एच यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, वन सेकेंड, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ का जो ओ एच है यहाँ के सी एच टू सी एच टू में से एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा और आपका जो ये ग्रुप है ये यहाँ से ये ग्रुप जो है वो यहाँ से सेपरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ अल्किन, हमें अल्किन मिलेगा। और ये जो नाइट्रोजन है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। इट कैरीज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या कैरी करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, बाकी जैसा का वैसा, प्रोपिल ग्रुप भी जैसा कैसा, दो इथिल ग्रुप जैसे के वैसे, सिर्फ ये है कि हमने ये इथिल ग्रुप निकालने की वजह से यहाँ पे उसकी लोन पे वापस मिल जाएगी और आपका यहाँ का एच और यहाँ का ओएच इन द फॉर्म ऑफ वाटर भी निकल जाएगा और हमें मिलेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, दैट इज योर इथिन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है आपके रिएक्शन को, ओके, वैसे आपको यूज़ योर ब्रेन पावर और डू यू नो के पॉइंट्स दिए उसको आप थोड़ा ओवर लुक कर लेना, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ओके। देन उसके बाद एसिलेशन ऑफ अमीन है, तो ये जो एसिलेशन ऑफ अमीन है वो हम नेक्स्ट रिएक्शन में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ओके।